गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तुहिन। आप देख सकते हैं मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं और बालकनी से मेरा व्यू बहुत बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर होटल और उसके जो पीछे पहाड़ है वो तो और भी सुंदर बनाया हर होटल को। हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं वैष्णव देवी। आप देखिए जो ब्लू कलर का दिखाई दे रही है वही रास्ता है वैष्णव देवी जाने के लिए, उसी के नीचे से आपको जाना होगा। हमारे होटल का नाम है होटल सुंदरम। मैं तो देख के पूरा ही हैरान हो गया था, इतने छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे, किसी ने हंसी मम्मी की गोद में बैठ के घोड़े पे जा रही है, फिर किसी ने अपने पापा उस बच्चे को गोद में लेके जा रहे, कंधों पे लेके जा रहे। बहुत बहुत लोग था, बहुत लोग चढ़ाई कर रहे उतर रही है। हम लोग शुरू किया था 6:50 को शाम को, और हम लोगों ने जब वैष्णव देवी हम घुसे तब टाइम था 4:30 मॉर्निंग, मतलब रात को 4:30। बहुत समय लगे और उतरने में हम थोड़ा जल्दी उतर गए। आपका एक चीज़ है, अगर आप सीढ़ी में उतर सकते हैं तो आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा। चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। सीढ़ी का इंतज़ाम है, बंदोबस्त है उधर, और फ्लैट रास्ता है। फ्लैट रास्ता वो काफ़ी लॉन्ग है, अगर आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो सीढ़ी बहुत ज़्यादा, सीढ़ी कभी कभी 573 स्टेयर्स है, आपको चढ़ना होगा फिर उतरना होगा। अगर आप चढ़ सकते उतर सकते बहुत ही जल्दी आप जा पाएंगे, और अगर आप सीधा रास्ते से जाना चाहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा घूमना होगा। तो हम लोग पहले सीधा रास्ते से गए थे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा चढ़ाई नहीं की, ज़्यादा स्टेयर्स यूज़ नहीं किया, इसीलिए हमारे बहुत ही ज़्यादा समय लग गए थे। मतलब 7 से 4 बजे तक 9 घंटे लग गए थे हम लोग वैष्णव देवी पहुँचने के लिए, और उतरने में इतना ज़्यादा नहीं लगे। मम्मी मेरे साथ था, अगर मैं अकेला होता तो बहुत ही जल्दी मैं उतर जाता, लेकिन मम्मी था मेरे साथ। फिर भी 5 घंटे लगे, हम 5:30 बजे चढ़े थे और 10:30 बजे उतर गए। उतरने में हमें 5 घंटे लगे थे। इसी पहाड़ के ऊपर माता वैष्णव देवी का मंदिर है, आप देख सकते हैं वो स्काई वाला स्काई जो दिखाई दे रहा है आपको, वही है रास्ता। वो शेड है, टीन से शेड बना हुआ है, तो इसी रास्ते से आपको जाना होगा माता वैष्णव देवी मंदिर दर्शन के लिए।